नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा घोष, आप सभी मकआउट के स्टूडेंट को स्वागत है हाउ कैन हेल्प यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप में से जो सभी मकआउट के अंदर इंटरमीडिएट स्टूडेंट है या फिर फाइनल ईयर का इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट चाहे वो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट, सभी लोग अभी सबसे ज्यादा जो परेशानी में है ये है आपका एग्जाम कैसे होगा और कब होगा, इंटरमीडिएट स्टूडेंट को क्या प्रोमोट कर दिया जाएगा। इसी को सेम टाइप का कमेंट बार बार आ रहा था और आप लोगों का मन में भी सवाल है। तो दोस्तों देखिए, जादवपुर यूनिवर्सिटी, आप में से जादवपुर यूनिवर्सिटी का नाम सभी ने सुने हैं, कैलकाटा यूनिवर्सिटी इसका नाम भी आप लोग जानते हैं। तो जादवपुर यूनिवर्सिटी, कैलकाटा यूनिवर्सिटी इसी तरह का रेपुटेटेड जितने भी सारे यूनिवर्सिटीज है, और बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया के अंदर जितने भी लॉ कॉलेजेस है, लॉ कॉलेजेस का फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट सभी को प्रोमोट कर दिया जा रहा है कोविड-19 के चलते। जादवपुर यूनिवर्सिटी की तरफ से ये जानकारी दिया गया है, 30% आपका पिछले वाला सेमेस्टर का नंबर पर बेसिस पे, और आपका 70% इवन सेमेस्टर का होम असाइनमेंट, एमसीक्यू बेस्ड ऑनलाइन, मतलब घर पे रहे तो ये एग्जाम और आपका परफॉर्मेंस के बेसिस पे दिया जाएगा। कैलकाटा यूनिवर्सिटी की तरफ से, कैलकाटा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सोनाली चक्रवर्ती मैम ने जो स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे बताया है, आपका थियोरिटिकल जो पेपर रहता है, थियोरिटिकल पेपर का 40% नंबर, फोन इंटरव्यू मतलब टेलीफोनिक वाइवा या फिर होम असाइनमेंट, एमसीक्यू, इन सभी चीजों के ऊपर बेस्ड करके दिया जाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी एक ही है, कोई भी किसी भी स्टूडेंट को फिजिकली कैंपस में जाके एग्जाम देने का जरूरत नहीं है, जो भी होगा घर से होगा। तो इसके दौरान मकआउट यूनिवर्सिटी क्या करेगा, मकआउट एफिलेटेड जितना भी सारा कॉलेज है, यहाँ का जितना भी सारे स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट का हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हुए क्या मकआउट यूनिवर्सिटी सेम प्रोसीड्योर को अपनाएगा या क्या मकआउट अपना हिसाब से कोई डिसीजन लेगा। तो इसी के दौरान एक इंटरनल न्यूज आ रहा है जहां पे बताया जा रहा है, आप में से जो सभी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है, आप सभी को आपका पिछले वाला सेमेस्टर और अभी इवन सेमेस्टर में जो आप लोग का ऑनलाइन पे क्लासेस चल रहा है, ऑनलाइन पे एग्जाम लिया जा रहा है, इन सभी के बेसिस पे नंबर दिया जा सकता है, मगर ये चीज अभी कंफर्म नहीं है। फाइनल ईयर का क्या होगा, फाइनल ईयर का स्टूडेंट को क्या जादवपुर यूनिवर्सिटी या फिर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के जैसा घर पे रहते हुए पिछले वाला सेमेस्टर और होम असाइनमेंट या लैब का नंबर इन सभी के बेसिस पे प्रमोट कर दिया जाएगा, अभी सबसे बड़ा कंफ्यूजन के अंदर यही है। मेरा काम था, मैंने आप लोगों के सामने उठा के रखा दूसरा यूनिवर्सिटी क्या डिसीजन ले रहा है, क्या चीज हो रहा है, उन सभी स्टूडेंट के साथ क्या चीज किया जा रहा है, उन सभी कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी जो है, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोई छोटा मोटा यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत ही ज्यादा रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है और ये वर्ल्ड वाइज रैंक करता है। तो इतना बड़ा यूनिवर्सिटी अगर ऐसा डिसीजन ले सकता है तो मकआउट भी जाहिर बात है मकआउट भी ले ही सकता है, मगर आप सभी को अभी वेट करना है। आप लोगों को मैं बताऊंगा, देखिए कोविड-19 के चलते आप लोग अपना घर पे अभी अपना प्रिपरेशन करते रहिए, मगर थोड़ा शांत रहिए। देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, फाइनल ईयर को छोड़ के, फाइनल ईयर के बारे में मैं कोई भी कंफर्म चीज नहीं बता सकता, मगर बाकी जितना भी सारा इंटरमीडिएट स्टूडेंट है, आप लोगों का पिछले वाला सेमेस्टर और आप लोगों का अभी इस इवन सेमेस्टर का परफॉर्मेंस, होम असाइनमेंट, एमसीक्यू बेस्ड जो ऑनलाइन पे एग्जाम हो रहा है आपका गूगल क्लासरूम पे या फिर किसी जगह पे भी, इन सभी के बेसिस पे आपको प्रोमोट किया जाएगा, ऐसा हो सकता है। मगर दूसरा यूनिवर्सिटी जो चीज कर रहा मैं वही आपके सामने उठा के रखा। तो आप लोगों का क्या सवाल है या फिर आप लोगों का अभी भी क्या मन में चल रहा है, एक बार कमेंट करके बताइए। और देखिए मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद था, दूसरा जो यूनिवर्सिटी का जो डिसीजन है आपके सामने उठा के रखा। फिलहाल देखिए मकआउट कोई डिसीजन ले ही नहीं रहा, तो अभी क्या मैं आप लोगों को अपडेट दूं, जितना अपडेट मेरे पास था मैं मेरा वीडियो के द्वारा आप लोगों के सामने उठा के रखा। थैंक यू।